व्यापारी अपनी दुकान का हिसाब कैसे रखें, कैसे मैनेज करें अपनी दुकान का हिसाब। कहते हैं कि कोई सा भी बिजनेस करे तो उसका हिसाब किताब जितना दुरुस्त होता है वो बिजनेस उतना ही अच्छा चलता है। इसलिए प्रत्येक बिजनेसमैन को हिसाब किताब रखना जरूरी होता है। बहुत से काम होते हैं हिसाब में। आपके बिजनेस के हिसाब किताब में केवल बिक्री और मुनाफा ही नहीं जोड़ना होता, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जिनको रोजाना अपडेट करना होता है, जिसका फायदा आपके बिजनेस को मिलता है और व्यापार तरक्की करता है। इसमें आप ओल्ड स्टॉक, न्यू स्टॉक, ग्राहक की मांग की वस्तुओं का हिसाब किताब, आपके बिजनेस में सहायक वस्तुओं का हिसाब किताब, उधारी का हिसाब किताब, देनदारी का हिसाब किताब, दुकान में नया सामान लाने का हिसाब किताब समेत अनेक तरह के हिसाब किताब रखने होते हैं। अब बदल गया है जमाना। अब जमाना बदल गया है और मुनीम की जगह अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गए हैं। हाईटेक जमाने में बही खाते गायब हो गए हैं और उनकी जगह कंप्यूटर, लैपटॉप और नोटबुक और मोबाइल आ गया है। इससे हर तरह का हिसाब किताब रखना बेहद आसान हो गया है। अब बही खाते के न पुराने पड़ने का डर और न ही कटने फटने का डर, न चलने या खोने का ही कोई डर, और न ही अब मुनीम द्वारा कागजों पर गुणा भाग जोड़ घटाना करने की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया ही अपनाने की टेंशन। अब तो सारा हिसाब किताब एक क्लिक में आपके सामने आ जाता है। आप आसानी से अपने संस्थान का हिसाब किताब जोड़ सकते हैं। बड़े व्यापारियों के हिसाब किताब की ये प्रणाली तो ठीक है, लेकिन छोटा या फिर नए कारोबार करने वाले व्यक्ति ना तो अकाउंटेंट रख सकते हैं और ना ही अकाउंट को सीख सकते हैं। इसके बावजूद इन छोटे व्यापारियों को हिसाब किताब रखना जरूरी होता है। छोटे व्यापारियों में क्या रहती है कमी? अभी तक छोटे व्यापारी अपना जबानी हिसाब किताब रखते हैं। ज्यादा होता है तो वो उधार की लेनदारी का एक रजिस्टर बना लेते हैं और बहुत ज्यादा हुआ तो बही खाते में हिसाब किताब रखा जाता है। इस हिसाब किताब में केवल उधार लेने वालों का हिसाब रहता है, जिसमें मोटा मोटा आधा अधूरा विवरण दर्ज होता है। इसको लेकर काफी समय समय पर वाद विवाद होता रहता है। बिना हिसाब के प्रभावित होता है बिजनेस। इन सब बातों की जिक्र करने का मतलब ये होता है कि हिसाब किताब के अभाव में बिजनेस काफी प्रभावित होता है। कभी कभी तो छोटे व्यापारी को बड़ा नुकसान भी हो जाता है। उधार लेने वाले अधिकांश ग्राहक तो उधार लेकर दुकान में आना ही छोड़ देते हैं। व्यापारी के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो उनसे अपने पैसे वसूलने के लिए तकादा करे। कुछ व्यापारी तकादा करने वालों को हायर करते हैं। ये तकादा करने वाले उधार देने वाले से मिलकर आधी अधूरी रकम अपनी जेब में डालकर व्यापारी को तरह तरह के बहानों से गुमराह करते हैं। कैसे करना चाहिए हिसाब? इसी तरह आपको दुकान में आने वाले विभिन्न कंपनियों के सेल्समैन या फिर एजेंट का हिसाब किताब रखना चाहिए। उनसे लेन देन, पुराने सामान की अदला बदली, नए सामान का ऑर्डर आदि का ध्यान रखना होगा। उसका जिक्र अपनी डायरी में अवश्य करें। इसके अलावा दुकान में बहुत सा माल बहुत पुराना होकर बेकार हो जाता है। चूहे, घुन, कीड़ों से भी बहुत सा माल बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा घर वाले अपने घर और जेब का खर्चा भी दुकान के गले से ही ले जाते हैं और दुकानदार को उसका पता ही नहीं चलता। इस तरह से व्यापार का घाटा बढ़ता जाता है और एक दिन दुकान के बंद होने की भी नौबत आ जाती है। इस तरह से बिना हिसाब किताब के बिजनेस चलाना पूरी तरह से रिस्क भरा होता है। नए और छोटे व्यापारी को हिसाब किताब रखने के लिए विशेष उपाय करने होंगे। इस तरह के छोटे व्यापारियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन हिसाब किताब रखना होगा। इससे उनको पुराने ढर्रे वाले हिसाब के तरीकों और बोझ से छुटकारा मिल जाएगा और उनकी दुकान या कंपनी को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि अब कौन कौन से उपाय नए और छोटे व्यापारियों को करने होंगे। अपनी दुकान का हिसाब रखने के ऑनलाइन तरीके। आज का जमाना हाईटेक जमाना है। इस जमाने में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में हाईटेक टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहता है। इस बारे में ओके क्रेडिट पूरी तरह गाइड करता है और ओके क्रेडिट में कई तरह के ऐप भी जो व्यापारियों के कारोबार को चलाने में बहुत मददगार हैं। इससे व्यापारी को काफी सुविधाएं होती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जो समय, श्रम और पैसा बचता है उसे बिजनेस में लगाने से बिजनेस आगे बढ़ता है। ये बढ़त चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होती है। इससे व्यापार में तेजी से तरक्की दिखाई देने लगती है। जो व्यापारी बड़े व्यापारियों की तरह अकाउंटेंट नहीं रख सकते, इसके बावजूद वो चाहते हैं कि उनकी दुकान का हिसाब किताब एक्यूरेट रहे, कम से कम परेशानी में उन्हें अपने संस्थान चलाने की सुविधा मिलती रहे। ऐसे लोगों को अनेक परेशानियों से बचने के लिए डिजिटल खाते का इस्तेमाल करना चाहिए। इस डिजिटल खाते में आप अपनी दुकान और सभी ग्राहकों का एक एक पैसे का हिसाब किताब रख सकते हैं, यानी अपने मोबाइल में बही खाता रख सकते हैं। इस तरह की सुविधा पाने के लिए आपको इंटरनेट पर ऐसे अनेक ऐप मिल जाएंगे जिनको मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाया जा सकता है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपनी मनपसंद वाला ऐप इंस्टॉल करके अपनी दुकान का हिसाब किताब आसानी से रख सकते हैं।
इन्हीं एप्स में से एक है ओके क्रेडिट, जो कि काफी चर्चित मोबाइल एप्लीकेशन है, जो हिसाब किताब रखने में आपकी पूरी मदद कर सकता है। अकाउंट की परेशानियां चुटकियों में हो जाएंगी हल। ओके क्रेडिट आपकी सारी अकाउंटिंग परेशानियों का चुटकियों में आसान तरीके से ऑनलाइन पेपरलेस सॉल्यूशन है। बिना किसी गड़बड़ी के यूजर फ्रेंडली ऐप हर एक बिजनेस की सबसे बड़ी जरूरत है। इस जरूरत को ओके क्रेडिट पूरा करता है। इस ऐप के लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती कि आप किसी छोटी कॉलोनी में छोटा सा किराना स्टोर चला रहे हैं या फिर टाउनशिप में सुपरमार्केट का बिजनेस कर रहे हैं। ओके क्रेडिट आपके बिजनेस को प्रभावी तरीके से डिजिटाइज करने में पूरी तरह से सक्षम है। कोरोना काल को देखते हुए हर कोई अब कॉन्टेक्ट लेस ट्रांजेक्शन और कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट करना चाहता है। ओके क्रेडिट ऐप इस काम में पूरी तरह से माहिर है। हाई सिक्योरिटी फायरवॉल वाले ऐप के साथ आपके और आपके कस्टमर के बीच का कम्युनिकेशन पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। साथ ही आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन पूरी तरह से सिस्टमैटिक हो जाता है। ओके क्रेडिट आपका अपना डिजिटल इंडिया का डिजिटल उधार बही खाता है और आपके कस्टमर की निष्ठा हमारे लिए गर्व का विषय है। ये मेड इन इंडिया कैश बुक या लेजर अकाउंट के बुक आपके समस्त लेन देन को मैनेज करेगा। आप इस ऐप से ये सभी लेन देन कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए आपको अपने कस्टमर्स को ऐड करना होगा, सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना होगा, आपको पेमेंट के लिए इजी रिमाइंडर्स भेजने होंगे और आपको तत्काल भुगतान प्राप्त हो जाएगा। मोटे मोटे बही खातों को कहें अलविदा। अब आप उन दिनों को भूल जाइए जब आपको पुराने उधार खाते की मोटी मोटी पोथियों को लाखों की संख्या में कैश रिकॉर्ड रखने के लिए रखना पड़ता था और उनमें भारी भूल चूक भी होती थी और बिजनेसमैन को उसका खामियाजा नुकसान के रूप में भुगतना पड़ता था। अब आपको इन सारे झंझटों से छुटकारा दिलाने के लिए आ गया है ओके क्रेडिट ऐप। इस मोबाइल सपोर्ट ऐप को आप आसानी से बिना किसी चार्ज के यूज कर सकते हैं। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS सॉफ्टवेयर वाले मोबाइल फोन में आसानी से यूज किया जा सकता है। अनेक भाषाओं में किया जा सकता है यूज। इस ऐप को भारत के कोने कोने में यूज किए जाने वालों की सुविधा को देखते हुए उनकी अपनी भाषा में भी बनाया गया है। इस ऐप को यूज करने के लिए आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, हिंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके क्रेडिट ही क्यों? मार्केट में आपके बही खाते के हिसाब किताब के लिए अनेक ऐप उपलब्ध हैं। तब ओके क्रेडिट ही क्यों आपके लिए जरूरी है? इसका कारण ये है कि ये ऐप आपकी फिंगर टिप्स पर आपको अनेक तरह की सुविधाएं आसान तरीके से उपलब्ध कराता है। ये ऐप आसान तरीके से बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच ब्रिज की तरह काम करता है। इससे दोनों को एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। ये ऐप अपने यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए लगातार लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को अपडेट करता रहता है। आपका डेटा इतना ज्यादा सुरक्षित रहता है कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा ना तो आपके डेटा को खोजा जा सकता है और ना ही आपके डेटा की कॉपी ही की जा सकती है। दोहरा तकादा भी कर सकते हैं आप। आप इस ऐप के माध्यम से डबल पेमेंट रिमाइंडर को भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने टैबलेट से एक क्लिक करके व्हाट्सएप और SMS दोनों से ही रिमाइंडर भेजना होगा। आपको अनेक तरह के पेमेंट ऑप्शन भी इस ऐप के माध्यम से मिल सकते हैं, जैसे भीम, UPI, गूगल पे, फोन पे, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के अलावा आपकी सुविधा के अनुसार अनेक ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।